त्रिपुरा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 60 सीटों वाली यहां की विधानसभा में बीजेपी को उम्मीद है कि लगातार दूसरी बार बड़ी जीत के साथ सत्ता बरकरार रहेगी। हालांकि सीपीएम और कांग्रेस के गठजोड़ के अलावा इस बार शाही परिवार के प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा तिपरा मोथा मोर्चा के रूप में चुनौती दे रहे हैं। इस बार माणिक शाह बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी की तरफ से कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिपुरा में धुआंधार प्रचार किया, जबकि सीपीएम की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया गया। त्रिपुरा के चुनाव नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि इस बार त्रिपुरा में कुल 28 लाख वोटर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। महिला वोटरों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। 60 सीटों के लिए कुल उम्मीदवार हैं 259, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। करीब 20 सीटों पर आदिवासी वोटर्स हैं जो निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। 2018 में बीजेपी ने 60 में से 36 सीटें हासिल की थी। बीजेपी के खाते में पिछली बार 43% से ज्यादा वोट आए थे। वहीं 2013 में बीजेपी को सिर्फ 1.54% वोट ही आए थे, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। त्रिपुरा में चुनाव शुरू हो चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हम इस वक्त हैं अगरतला के महारानी तुलसीबती गर्ल्स हाई स्कूल। ये एक हेरिटेज स्कूल है जो त्रिपुरा में, जब त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तब यहाँ के महाराजाओं ने ये स्कूल बनाया और तब से ये स्कूल है। और इसी स्कूल में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह अपना जो मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं मतदान प्रक्रिया चल रही है और सुबह सुबह ही हमने देखा है कि कतार बहुत ही लंबी होती दिख रही है सुबह सुबह से। और सबसे बड़ी बात है जो औरतें बहुत सुबह निकल के आए हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो यंग वोटर हैं, वो सुबह निकल के आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और त्रिपुरा की बात करें तो 28 लाख से भी ज़्यादा वोटर हैं, इसमें 13 लाख से भी ज़्यादा महिला वोटर हैं। 3,327 पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें कि 1,128 पोलिंग बूथ्स वल्नरेबल हैं और इन वल्नरेबल पोलिंग बूथ्स की निगरानी सेंट्रल फोर्सेस कर रही हैं। 400 कंपनी सेंट्रल फोर्स त्रिपुरा में भेजी गई है और इसके साथ ऑब्जर्वर्स हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ, उसको सील कर दिया गया है। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में 259 उम्मीदवार खड़े हैं। 259 उम्मीदवारों में 31 वुमेन है। ये 60 सीट की विधानसभा है, जिसमें कि 20 सीट जो ट्राइबल रिजर्व सीट्स हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर दलों की बात की जाए तो बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लड़ रही है, 55 सीट। उसकी एलआई जो है आईपीएफटी, वो 5 सीट में लड़ रही है, मगर एक सीट है ओमपी नगर, जहाँ पे कि आईपीएफटी और बीजेपी के बीच फ्रेंडली फाइट है। जो एक समय जानी दुश्मन हुआ करते थे वामपंथी दल और कांग्रेस, अब दोस्त है इस चुनाव में। और एक साथ उन्होंने सीट शेयरिंग किया है। उस सीट शेयरिंग में लेफ्ट फ्रंट 47 सीट में लड़ रही है, कांग्रेस 13 सीट में लड़ रही है। और इसके साथ इस त्रिपुरा इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया है। मल्टी कॉर्नर फाइट पहली बार त्रिपुरा में हो रहा है, क्योंकि जो नई पार्टी है, महज दो साल पहले शुरू हुआ पार्टी तिपरा मोथा पार्टी ने 42 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 28 सीटों में उनके उम्मीदवार हैं। ये मल्टी कॉर्नर फाइट है, पहली बार त्रिपुरा इस तरह के मल्टी कॉर्नर फाइट को देख रही है। इस बार जो चुनाव है, हमने त्रिपुरा का चुनाव, इसके पहले जब भी त्रिपुरा में चुनाव होते थे हमेशा स्ट्रेट फाइट होती थी दो पार्टी की। पहले तो सीपीएम कांग्रेस रहा, लास्ट टाइम हमने सीपीएम बीजेपी देखा। इस बार एक मल्टी कॉर्नर फाइट है, थोड़ा डिफरेंट है चुनाव। वोटर इस डिफरेंट चुनाव को किस तरह से दे रहा है यंग वोटर? आप यंग वोटर जो है वो एक्चुअली, हालांकि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को सुधारने के लिए, उसको उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, तो उसी के कारण लोग ये बेरोजगारी को देख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। यंग यूथ जो है उसको समथिंग चेंज तो होना चाहिए उसमें, तो इसीलिए लोग धीरे 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 उसको मतदान के लिए भी उत्साहित हो रहे हैं। उसको हम उस तरफ से देख रहे हैं, जैसे कि आज देखिए इंडिया का ज़्यादातर लोग भी आजकल बेरोजगार है, तो उसी को नज़र रखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं।
बीबीसी की दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। मंगलवार को शुरू हुआ आयकर विभाग का सर्वे कल भी जारी रहा। इस बीच बीबीसी ने अपने सभी पत्रकारों को दफ्तर बुलाया। जिन कर्मचारियों के लैपटॉप की मंगलवार को जांच नहीं हो पाई थी उन्हें भी कल दफ्तर बुलाया गया, लेकिन आज से बीबीसी का स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। स्टाफ को मेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई। आयकर विभाग की टीम पत्रकारों समेत कर्मचारियों के डेस्कटॉप की जांच कर रही है। मंगलवार को भी मोबाइल्स की जांच की गई थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जब कंप्यूटर की जांच कर रहे हैं तो कुछ खास शब्द लिखकर सर्च कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स बिल और ब्लैक मनी। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ कोड वर्ड्स हैं जिनको लिखकर जांच पड़ताल की जा रही है। उधर आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। 15 साल पुराना ये मामला था जिसमें सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी गई है। रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला आजम। 2008 में मुरादाबाद में बलवा करने के मामले में 2 साल की सजा हुई उन्हें। कुल 9 आरोपियों में से 7 बरी हो चुके हैं, 2 को सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो फिर विधानसभा से सदस्यता चली जाती है, और वही हुआ अब्दुल्ला आजम के साथ। उनकी विधायकी जा चुकी है। लद्दाख को बचाने की मुहिम को लेकर प्रदर्शन अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। लद्दाख को बचाने और उसको संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की अगुवाई में बुधवार को लद्दाख के कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान के दिल कहने वाली दिल्ली में आए उन सारे हिंदुस्तानियों को यह बताने आए कि हम भी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन लद्दाख से जम्मू होते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं। जो जुमलाबाजियां फूल चिड़िया छोड़ते हैं इनसे निकल के सीरियसली लद्दाखियों को डिमांड को कंसीडर करें इससे पहले कि ये प्रोटेस्ट फिर वापस लद्दाख पहुंचे। पर्यावरण से जुड़े रहने वाले सोनम वांगचू कहते हैं कि अगर जल्द उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो केंद्र के आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर्यावरण को बचाते बचाते मेरी हिफाजत के इतने चिंतित हो गए जो प्रशासन है कि उन्होंने लोकतंत्र के सभी नियम कानूनों का हनन किया, तो मुझे लगा कि लोकतंत्र भी खतरे में है। लद्दाख की 4 मांगे हैं, राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, ले और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो। लोग केंद्र से कितने नाराज हैं ये इसी बात से पता चलता है कि इस मंच पर अपने भेदभाव छोड़ लद्दाख और कारगिल के नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं। नौकरशाही से बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि सरकारी फैसलों में उनकी भी भागीदारी हो। हमारा ये पॉलिसी और सेटअप को लेकर के प्रोटेस्ट है और हमें चेहरे बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो डेमोक्रेटिकली हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशन हैं, हिल काउंसिल कारगिल और हिल काउंसिल ले, उनके जो अख्तियारात थे वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। ये एक ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख जो है लद्दाख का एक सबसे बड़ा एक पार्टी है। आज हम जो है ब्यूरोक्रेसी की गुलामी में अपने आप को कैद होते हुए हमको नजर महसूस हो रहा है, तो इसके नाते हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि लद्दाख के इश्यूज को जो है वो उबारे, गवर्नमेंट के सामने रखे। इनका ये भी आरोप है कि लद्दाख के लिए आवंटित किया गया बजट भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
जितना उन्होंने 6,000-7,000 करोड़ की बात की वहाँ पर हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें से जो लद्दाख के लोग जिसके हिल काउंसिल के जरिए जो वहाँ पर उनको कैपेक्स में या उनको जो काउंसिल को आवंटन होता है वो तकरीबन 500 करोड़ या वहीं तक लिमिट है। बाकी सारा नौकरशाही जो वहाँ पर कमर्शियल सेक्रेटरी है वो चलाते हैं। एलजी है वहाँ पर बिल्कुल, ये है हमें वहाँ जमहूरियती निज़ाम चाहिए हमें। और ये दो हिल काउंसिल को 6 शेड्यूल के अंदर इम्पावर करके कुछ हद तक जमहूरी अमल जो है वहाँ पर अमल में आ सकता है। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा। बढ़ते पर्यटन को लेकर अब ये लोग चिंता जता रहे हैं। लद्दाख की जनसंख्या 3.5 लाख है, लेकिन 2020-21 में 4 लाख पर्यटक वहाँ पहुँचे, जिसे लेकर पर्यावरण को लेकर चिंता जताई जा रही है। पहले स्टेटहुड की डिमांड सिर्फ जम्मू कश्मीर से आया करती थी, लेकिन अब ये डिमांड जो है वो लेह लद्दाख से भी आ रही है। नाराजगी इन लोगों के बीच में इतनी है कि पहले जो लोग कारगिली और जो लेह लद्दाख के लोग थे वो कई मामलों को लेकर अलग अलग राय रखते थे, लेकिन अब इन सबकी एक राय है, वो है कि लेह लद्दाख और कारगिल को स्टेटहुड दोबारा से बहाल उनकी की जानी चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ निकिता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के बाद पंजाब में भी अब चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच तलवारें खिंच गई हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आप नू जिहड़े जिन्होंने चुने हैं ओही फैसले करन, इलेक्टेड करन, ना कि सिलेक्टेड कोई बिच अपनी टांग अड़ाउण कि आ क्यों हो गया आ ना हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये तंज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के लिए है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सरकारी स्कूल शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव पैदा हो गया है। 13 फरवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, पूछा कि जिन प्रिंसिपलों को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया उनके चयन की प्रक्रिया क्या थी, प्रिंसिपलों की सिंगापुर में ट्रेनिंग और आने जाने पर कितना और कैसे खर्च हुआ। चेतावनी भी थी कि अगले 15 दिन में जवाब ना मिला तो वो कानूनी सलाह लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें याद दिलाया कि ये विषय राज्य का है, लगे हाथ उनकी नियुक्ति के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोकतंत्र च इलेक्टेड लोग जिहड़े ने वो वड्डे ने, सिलेक्टेड तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सो उन्हां नाल भी कोई नहीं सुधार लांगे, आ जाणगे ली ते, क्योंकि कई बार इधरों उधरों कोई कह दिंदा है लिख दो ऐ लिख दो, वो चंगा नहीं लगता। कानून फिर सानू भी पता फिर है, तो फिर सो कानून तो फिर सारे वास्ते एक ही है। सो जिहड़े कानून राही वो रोकते हैं उस कानून राही उन्होंने असी जवाब भी दे देंगे। जाहिर है बीजेपी राज्यपाल के साथ है, लेकिन पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साध रही है। जिहड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपने प्रतिनिधि हर स्टेट च अपॉइंट करदा, उहदा ऑफिस ऑर्डर देख लैण। मुख्यमंत्री इन्ने अज्ञानता क्यों रखते हैं, उन्होंने कोई समझाने वाला क्यों नहीं, बोलने तो पहला सोचते क्यों नहीं। ये पूरे पंजाब के मुख्यमंत्री हो, बदनामी पंजाब की होंगी है, ये ऐसे लोग भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तुसी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हैड है पंजाब, उहदियां जे कुछ क्वेरीज ने जिहड़ियां मैं समझना बिल्कुल ठीक ने। 5 चिट्ठियां का उन्हें जिक्र किया, एक चिट्ठी चौथे नंबर से मेरी है जी, मैं उन्होंने एक नवल अग्रवाल बारे लिखी, तो चीफ मिनिस्टर साहब का जो दफ्तर जवाब नहीं देता, ये फिर इस तरह ही होएगा कि कल नूं चीफ मिनिस्टर की कोई चिट्ठी चीफ सैकटरी जाएगी तो चीफ सैकटरी जवाब देन तो इनकारी हो जाएगा या उ जवाब देगा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अज गवर्नर दिता है, तो ये तो अनारकी हो जाएगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपलों को 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दिल्ली में भी सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के सवाल पर सरकार और उपराज्यपाल में टकराव चल चुका है। पंजाब एक पूर्ण राज्य है जबकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते दोनों जगह टकराव का मुद्दा एक होते हुए भी एक बड़ा अंतर यह है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल विदेश में सिंगापुर में ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, जबकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स तब तक विदेश में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते जब तक उपराज्यपाल मंजूरी ना दे दें। शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बन रहे हैं। वो 22 फरवरी को असम जाएंगे। इसे राजस्थान की सक्रिय राजनीति से गुलाब चंद कटारिया की विदाई की तरह देखा जा रहा है। सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा। नजर इस बात पर भी है कि 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी अपना नेतृत्व किस तरह बदल रही है। 78 साल की गुलाबचंद कटारिया अभी तक राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन अभी सेशन में है, इस बीच उन्हें असम का राज्यपाल बनाकर भेजे जाने से कई सवाल उठ रहे हैं। गुलाब जी 8 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद, हर सरकार में मंत्री बने हैं और मेवाड़ की सीटों में उनका प्रभाव भी रहा है। तो क्या उनके जाने से मेवाड़ वागड़ की राजनीतिक मंच पे एक जगह खाली हो गई है? आपको अभी तक मेरी एज जो है ना विधानसभा में तो दिखती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं दिखती है सर। तो मैं मेरी कोशिश करता हूँ और पार्टी छोटी बड़ी जो जिम्मेदारी दे उसको ईमानदारी से निभाना मेरी आदत में है। तो एक बात है कि अब मेवाड़ और वागड़ के पॉलिटिक्स में आपका एक तरह से बोलबाला छाप रही है, तो एक वैक्यूम, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपके एक तरह से एग्जिट से। देखो एक बात जरूर है, किसी व्यक्ति के जाने से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है कि कार्यकर्ता बेस पार्टी है, नेता बेस पार्टी नहीं है, जो एक ही व्यक्ति पे डिपेंड हो जाती है और इसके कारण से उसकी जगह भरने वाले एक नहीं 5 मेरे जैसे बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो भी पब्लिक में अपने आप को खड़ा कर देंगे। सवाल है ये दूसरा कौन है। सबकी नजर वसुंधरा राजे सिंधिया पर है, जिनकी केंद्रीय नेताओं से खींचतान भी चर्चा में रह चुकी है और एक दौर में कटारिया से टकराव भी। तो क्या चुनाव से पहले पार्टी उनकी वापसी तय कर रही है? वैसे नेता और भी है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़ और कई सांसद, किसी पर भी दाव खेला जा सकता है। जाहिर है राजस्थान की कमान अब केंद्र के हाथों में है। संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, लेकिन संसदीय बोर्ड भी प्रदेश के तमाम नेताओं से चर्चा करने के उपरांत ही सर्वसम्मति से निर्णय करेगा। हमेशा बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, संगठन हित में और चुनाव नजदीक होते हुए जो भी आवश्यक होगा वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व कदम उठाएगा। राजस्थान से गुलाबचंद कटारिया की विदाई अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा में राजनीतिक उठापटक का ये शायद पहला संकेत है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। DRDO ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 24 घंटे बगैर ईंधन भरे लगातार उड़ान भर सकता है। इसका ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। दर्शकों की नजर हवाई करतब पर थी, इससे बेखबर कि कलाबाजी खाते जहाजों और इसका लुत्फ उठा रहे लोगों पर कोई 15,000 फुट की ऊंचाई से नजर रख रहा है। ये फुटेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के ड्रोन तपस ने ली है। इसमें बहुत ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, ये डे नाइट का कैपेबिलिटी है, यदि दिन में कोई कैमरा काम करता है तो रात में थर्मल इमेजिंग या IR इमेजिंग के थ्रू कैमरा काम करता है, और ऑल वेदर में यदि क्लाउड वगैरह भी है तो भी इसमें रडार के थ्रू आप टेरेन मैपिंग वगैरह कर सकते हैं। DRDO के ड्रोन तपस का ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस साल एरो इंडिया पर ये लगातार नजर रख रहा है, रनवे के साथ साथ आसपास के इलाकों पर। तपस एक बार में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और बगैर दोबारा ईंधन भरे 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर की रफ्तार से 2,800 किलोग्राम वजन के इस ड्रोन में डबल इंजन है। इसी तर्ज पर हथियारों से लैस आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन अपने अंतिम फेज में है, जिसे अगले साल ट्रायल के लिए उड़ाया जाएगा, जो कि 300 किलो का पेलोड लेकर अपने लक्ष्यों को भेज सकता है। सवाल ये उठता है कि जब तपस को बनाने में 8 साल लगे तो इसका हथियार वाला वर्शन इतनी जल्दी तैयार कैसे होगा? जो भी टेक्नोलॉजी हमने वहाँ पे डेवलप करी है
तो हमने उन सारी टेक्नोलॉजीज के ब्लॉक्स को आप उसको मास्टर कर लिया, टेक्नोलॉजी रेडिनेस लेवल बहुत हाई हो गया है, तो उसकी वजह से हम ये वाला जो एयरक्राफ्ट है 1.5 साल के अंदर हम इसको ट्रायल्स के लिए रेडी कर पाए। एरो इंडिया में तपस बगैर किसी बाधा के लगातार लाइव फुटेज बारीकी के साथ कंट्रोल रूम को भेज रहा है, जो इसकी क्षमता और दक्षता का प्रमाण है। 300 किलोग्राम पेलोड के साथ ये ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी। जो जानकारी यहाँ हमें दी गई है इसके मुताबिक दुनिया के कई देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है, यानी कमीशन होने से पहले ही बाजार तैयार है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के अमरेली जिले में शेरों का पूरा एक झुंड सड़क पर घूमता नजर आया। राजूला के रामपुरा गांव में जिसने ये नजारा देखा बस देखता रह गया। हालांकि अमरेली में शेरों के इंसानी बस्तियों और सड़कों पर आने की कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक साथ इतने शेर शायद ही पहले कभी दिखे हों। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। राजूला रेंज शेरों का निवास है, पानी और शिकार की तलाश में अक्सर ही ये शेर बस्ती की तरफ आ जाते हैं।